17वीं लोकसभा के चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। 7 राष्ट्रीय दल और 53 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल युद्ध की रणभेरी पर मैदान में आ जुटे हैं। भाजपा से नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस से राहुल गांधी जी, ये दो बड़े चेहरे हैं जिनके चेहरों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मगर यदा कदा तीसरे मोर्चे के में भी कुछ नाम मायावती जी का, ममता बनर्जी जी का और चंद्रबाबू नायडू जी का भी कभी कभी नाम चर्चा में आ रहा है। मगर इस दरमियान जो चीज़ देखने में आई पिछले 5 साल के एनडीए के रजीम में, जिन मुद्दों पर विपक्ष में रहते हुए भाजपा पक्ष को घेरे रहती थी, काम नहीं करने देती थी, सड़कों पर उतर आती थी, उन्हीं मुद्दों पर उसने विपक्ष को अपने आप को घेरने नहीं दिया। या अगर इसी बात को दूसरे तरीके से कहें तो पिछले 5 वर्षों में विपक्ष कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं बना पाया, जबकि मुद्दे कई रहे, अभी उस पर हम क्रम से चर्चा करेंगे, मुद्दे कई रहे, लेकिन भाजपा ने कभी अपने आप को घेरने नहीं दिया या विपक्ष को हावी नहीं होने दिया पक्ष पर। क्या रहे वो मुद्दे, क्यों विपक्ष हावी नहीं हो पाया, क्या इसी रणनीति भाजपा की है, इसी मुद्दे पर अभी आगे बात करते हैं। भाजपा के सरकार में आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड की कीमतें कम हो गईं। एक समय ऐसा आया जब क्रूड की कीमतें $45 प्रति बैरल तक चली गईं। सरकार ने 4 सालों में लगभग 12 बार एक्साइज बढ़ाई, रेट कम नहीं किया, महंगे ही दरों पर पेट्रोल और डीजल हम लोगों को मुहैया रहा। और सरकार जनता को ये बात समझाने में सफल रही कि बढ़ी हुई कीमतें देकर वो जो टैक्स हमें दे रहे हैं उस टैक्स से देश का विकास होगा। कांग्रेस या विपक्षी दल इस बात को समझाने में नाकाम रहे कि जब वो सत्ता में थे और $140 प्रति बैरल तक क्रूड खरीद रहे थे और उसी दर पर तेल कैसे दे पा रहे थे, मगर विपक्ष इस बात को मुद्दा नहीं बना पाया। नवंबर 2016 की रात 8 बजे जब हम सब लोगों ने अपने टीवी चैनल्स खोले तो पता चला कि नोटबंदी कर दी गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री कुछ इस लहजे में देश को बता रहे थे कि बस कल सुबह जब हम लोग सोकर उठेंगे तो पूरा देश बदल चुका होगा, काला धन इस पूरे देश से गायब हो चुका होगा। इसी प्ली को आधार बनाकर नोटबंदी कर दी गई, पूरा देश लाइनों में खड़ा रहा, लोग पता नहीं कितना परेशान हुए। वो बुआई का सीजन था, वो शादियों का सीजन था, पूरे देश ने कितना दर्द झेला, किस बात के लिए कि नोटबंदी से देश ठीक होगा। मगर हमने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करके 2000 रुपये का नोट चलन में ले आए हम। इतना बड़ा मुद्दा जिससे देश को कुछ नहीं हासिल हुआ, मगर पक्ष ये समझाने में सफल रहा कि इससे देश को भला होगा, और विपक्ष इस बात को फिर समझाने में नाकाम रहा कि ये जो हुआ ये ठीक नहीं था। एक जुलाई 2017 की रात 12 बजे पूरी नाटकीयता के साथ जीएसटी इंप्लीमेंट किया सरकार ने, और तब तक जीएसटीएन बनके तैयार नहीं था। बिना कंसर्न्ड पार्टीज की से बात किए हुए तैयार किया आधा अधूरा मसौदा कह लीजिए, या हाफ कुक्ड जीएसटी देश पर थोप दिया गया। राहुल गांधी ने इस पर बातें तो बहुत की मगर इसको मुद्दा नहीं बना पाए। तमाम लोगों को परेशानी इससे हुई, साल भर लोग जूझते रहे कि क्या करना है क्या नहीं कराना है। एक साल में 350 अमेंडमेंट आए मगर तमाम बात के बाद भी विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बना पाया। जीएसटी में खराबी नहीं है, मैं जीएसटी को खराब नहीं कह रहा, मगर ये जो हाफ कुक्ड जीएसटी था जिससे देश को परेशानी हुई, इसको इम्प्लीमेंट करने की इतनी जल्दी क्या थी, ये बात हम देश को समझा नहीं पाए। मोदी राज में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गईं, जवानों की शहादत बढ़ गई, घाटी के युवा आतंकवादी ज़्यादा बनने लगे, फिर भी विपक्ष इस बात को समझाने में असफल रहा कि मोदी घाटी को शांत करने में असफल रहे हैं। पुलवामा के बाद मोदी बदले की बात करने लगे, पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक लहर चल पड़ी। कोई सवाल को उठाने के लिए मजबूती से तैयार नहीं था कि ये इंटेलिजेंस फेलियर भी तो था, कैसे
इतना भारी भरकम आरडीएक्स लेकर एक गाड़ी अंदर आती है और हमारे जवानों को मार देती है। क्या यह असफलता नहीं थी? मगर यह मुद्दा नहीं बन पाया। और इतनी सारी चीज़ों के बाद घाटी को शांत नहीं रख पाने के बावजूद पूरा देश मानता है कि सीना 56 इंच का है और विपक्ष इसका काउंटर नहीं कर पाया। विपक्ष एक बार फिर असफल रहा। मगर कुछ बात तो है इस व्यक्ति में जो विपक्ष को अपनी कमियों पर भी हावी नहीं होने देता। ये विपक्ष को वहां ले जाता है जहां ये ले जाना चाहता है। राहुल गांधी अपनी तरीके की राजनीति को छोड़कर जनेऊ दिखाते हैं, गोत्र बताते हैं और मंदिर जाकर अखबार में छपवाते हैं। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आप मोदी से लड़ेंगे तो आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। तो विपक्ष को पूरी तैयारी करनी होगी इस इलेक्शन में। खैर, नतीजा कुछ भी हो, चुनाव बड़ा रोचक होने